Hello everyone, welcome back to my channel Speed Custom and a very very happy Christmas to all of you. तो आज का सीन ऐसा है कुछ, मैं अभी फ़िलहाल जा रहा हूँ अपना शॉप. अब शॉप किस लिए जा रहा हूँ अभी बता रहा हूँ. बैकग्राउंड में नॉइज़ बहुत आ रहा है, म्यूज़िक सुन सकते हो. मेरे सामने सोम इम्पोरियम है, आज क्रिसमस है तो म्यूज़िक चलता रहेगा. तो थोड़ा आवाज़ ठीक ठीक नहीं आ रहा है तो उसके लिए सॉरी. कोशिश करो ज़ोर से बोलने के लिए कि ताकि आपको आवाज़ ठीक से सुनाई दे. तो मैं अभी फ़िलहाल शॉप जा रहा हूँ. शॉप इसलिए जा रहा हूँ कि मेरा एक्टिवा में PPF लगाना है, PPF पैंट प्रोटेक्शन फ्लिम. वो किस लिए ज़रूरी है मैं आपको बता रहा हूँ. ऑलरेडी काफ़ी स्क्रैचेस पड़ गए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ. आप यहाँ देख सकते हो काफ़ी स्क्रैचेस लगा हुआ है, इधर यहाँ काफ़ी जगह स्क्रैचेस है, यहाँ देख सकते हो, यहाँ देख सकते हो. तो काफ़ी स्क्रैचेस लगा हुआ है. मैं सोचता हूँ आज इसमें PPF लगा लूँ, फ्यूचर में और ज़्यादा स्क्रैचेस ना हो. और यहाँ मेरा KTM खड़ा है, RC390, इसमें भी PPF लगाऊंगा लेकिन पहले इसमें लगाना है, वो ज़रूरी है. अभी इसको निकाल नहीं रहा हूँ, इसको भी करना है मेरे को. तो इसमें कंप्लीट PPF लगा दूंगा, फ्यूचर में कभी कोई स्क्रैचेस नहीं पड़े. और अभी का फ़िलहाल का तो कुछ यही है. और तो PPF का क्या फ़ायदा, मैं शॉप जाऊंगा वहाँ आपको बताऊंगा मतलब कितना बेनिफिट है ये आपके गाड़ी के लिए, बाइक के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है. खासकर अगर नया गाड़ी है उसके लिए तो बहुत बढ़िया है. मेरा गलती ये हो गया, मेरे पास खुद के पास PPF पड़ा हुआ रहता है, मेरा शॉप में ये काम आता है और मैं अपना एक्टिवा में नहीं लगाया, इससे बड़ा बात तो. अब ज़्यादा स्ट्रेचेस पड़ गया तो अब तो लगाना ही पड़ेगा. चलिए फिर चलते हैं. तो फिलहाल मैं शूट कर रहा हूँ अपना GoPro से, GoPro 7 Black. तो काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी इसको यूज़ करके. मैं अपना Canon M50 अभी ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि ये बहुत हैंडी है, बहुत छोटा है तो कहीं भी ले जाना में दिक्कत नहीं होता. तो और काफ़ी वाइड एंगल व्यू आपको दिख रहा होगा तो उसका एक और मज़ा है. तो चलते हैं फिर शॉप जाके, बाकी बातें करते हैं, यहाँ नॉइज़ बहुत ज़्यादा हो रखा है. सो गाइस शॉप पहुँच गए, आपको मैं PPF दिखाता हूँ, पेंट प्रोटेक्शन फिल्म कैसा होता है. हार्ड होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और ये लगने के बाद इतना विजिबल भी नहीं होता कि यहाँ हम लोग पेंट प्रोटेक्शन फिल्म लगाए. और इसका बेनिफिट ये है कि आपका जितना भी मेजर स्क्रैचेज होता है या लग जाने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इसको जो स्क्रैचेज होगा ये PPF पर होगा, मतलब पेंट प्रोटेक्शन फिल्म का ऊपर होगा. तो खासकर मैं पहले भी बोला हूँ, नया गाड़ी या बाइक हो उसमें लगाने से ज़्यादा बेटर है. तो अब मेरा और उससे ज़्यादा स्क्रैचेज नहीं हो उसके कारण मैं लगा रहा हूँ उसको. और इसके बाद मैं KTM में लगाऊंगा, उसका फुल वीडियो बनाऊंगा KTM में, क्योंकि अभी वो नया है, अभी कोई स्क्रैचेस नहीं लगा और निकाला भी नहीं हो ज़्यादा बाइक को. तो इसको देखता हूँ एक दो दिन के अंदर उसको भी करूँगा.
इंस्टॉल हो गया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ काफ़ी शाइननेस नहीं है और इस तरफ शाइन आपको ज़्यादा दिख रहा होगा। तो इधर पीपीएफ लग चुका है, पूरा हाफ पोर्शन में पीपीएफ लगा है यहाँ पूरा। आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो यहाँ लाइन दिख रहा होगा आपको, फट गया कलर फट गया। नहीं नहीं नहीं, पीपीएफ लगा है इसमें। पीपीएफ मतलब पेन प्रोटेक्शन फिल्म, स्क्रेच एंटी स्क्रेच प्रूफ है। मत लगाए भाई, लगने का दिया पूरा नहीं लगा, लगाने का तो मालूम भी नहीं चलेगा और इससे ज़्यादा शाइन आता लगने का। ये नया ले लेता है बात। तो काफ़ी जन आके पूछ रहा है मेरे से क्या चीज़ है ये, वो जन को ये मालूम नहीं एक्चुअली पीपीएफ होता क्या। तो इसका बेनिफिट काफ़ी है, इससे आपका जो लगता है अप्लाई करने के बाद इसमें क्या होता है, आपको जो ग्लोसीनेस आपको ज़्यादा मिलेगा इसमें। आपको मैं जैसे दिखाया दोनों, इसलिए मैं हाफ बॉडी लगाया, पूरा बॉडी में लगाया नहीं उसमें। और इसको करने का प्रोसीजर ये है कि इसको आप इंडोर में करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ ओपन पे करने से क्या डस्ट ज़्यादा आ जाता है, डस्ट आने से थोड़ा सा डस्ट जाने से प्रॉब्लम हो सकता है इसमें। मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा डस्ट आया हुआ है। आप ये वाला जगह में देख सकते हो डस्ट आ गया। सो गाइज, और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ आपको, अगर आप ये पीपीएफ अप्लाई करते हो तो आप अगर नया गाड़ी है या बाइक है तो उसी में आप अप्लाई करिएगा। अगर बाय चांस आपका अगर कोई बाइक में आप अप्लाई कर रहे हो ऑलरेडी रिपेंटेड है, तो आप उसका रिपेंट चेक कर लीजिएगा कि रिपेंट अच्छे से हुआ है कि नहीं। क्योंकि ये अगर आप अगर इसको लगाते हो तो क्या होता है, कभी निकालने के टाइम ये ऐसा हो सकता है। तो ये एक्चुअली मैं व्हील कवर में लगाया था, ये आपको दिखाता हूँ, ये व्हील कवर में लगाया था। तो इसमें नॉर्मली एक नॉर्मल पेंट रहता है, तो इसमें मैं ये पीपीएफ लगाया था ये इस तरफ से। जब इसको मैं पील ऑफ किया तो ये रंग निकल के आ गया। तो ये इस तरह का आपका बाइक के साथ और गाड़ी के साथ भी हो सकता है। तो जहाँ तक आपका अगर नया गाड़ी है नया बाइक है, कोशिश करिए उसमें ही अप्लाई करने का, काफ़ी बेनिफिट है। आप अगर ये कटर से भी आप नॉर्मली स्क्रेचेस करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसको कुछ भी नहीं होगा। आप चाहे इससे करिए चाहे आप की से करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसको, क्योंकि इसको फाड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ का ज़रूरत है, जो जनरली आपको नॉर्मल स्क्रैचेस में इतना होता नहीं है। तो इसका बेनिफिट यही है, और आपका जो ओरिजिनल पेंट है सेफ रखेगा, और ये लगने का ज़्यादा ग्लोसी आ जाता है, शाइन ज़्यादा आ जाता है, इससे देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसा कि मैं अभी एक्टिवा में आपको दिखाया था, दो पोर्शन में इसलिए करके दिखाया तो आपको डिफरेंस मालूम चले, कि अगर मैं इसको फुल लगाऊंगा तो आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि मैं इसमें पीपीएफ लगाया हूँ। तो गाइज, ये थोड़ा दिन बाद मैं अपना आरसी 390 में भी लगाऊंगा, एक दो दिन के बाद लगाऊंगा उसको, क्योंकि टाइम देना पड़ेगा और उसको इंडोर में करना है, क्योंकि बाहर करने से थोड़ा सा भी डस्ट आने से बहुत दिक्कत हो सकता है उसमें, क्योंकि वो बबलिंग आना शुरू हो जाएगा। तो गाइज, सब चलते हैं, आज क्रिसमस है तो आज देखते हैं आगे का प्रोग्राम क्या होने वाला है। तो फिलहाल अभी 2:15 हो रहा है, तो अभी लंच टाइम हो गया, तो लंच करने में जाऊंगा। और हाँ गाइस, अगर आप मेरे वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। और तो चलिए गाइस, मिलते हैं लंच के बाद। इस रास्ते से गुजर रहा था तो चर्च दिख गया, तो सोचा आज क्रिसमस है तो चला जाए। तो ये रुक्मणी गांव में पड़ता है, तो यहाँ लाइट का थोड़ा सा अंधेरा है, तो फुटेज इतना सुंदर नहीं आएगा, फिर भी जैसा आता है। I never thought of any reason.
bittersweet heat is suffocating. So guys, अभी निकलते हैं यहाँ से. खुला नहीं है. एक अच्छा काम कर दिया कम से कम. तो गाइस फाइनली घर पहुंच गए. अभी बहुत जोरदार भूख लग रहा है. तो अभी 3 बज रहा है. तो शाम को कहीं निकलेंगे. फिलहाल पेट पूजा कर लेता हूँ. बाहर का मैं खाता नहीं ज़्यादा, तो इसलिए अभी घर आया हूँ खाना खाने के लिए. बाकी खाना खाने के बाद बात करते हैं. गाइज अभी मैं आया हूँ हेमलेस में भतीजा लोग के साथ. क्या करें, क्रिसमस है, इन लोगों को भी घुमाना बहुत ज़रूरी है. भतीजा को घुमा फिरा के खिला पिला के सब करा के घर पहुंच गया हूँ. काफ़ी टायर्ड हो गया हूँ. भतीजा लोग को चर्च लेके नहीं गया. उन लोग ने जिद करने लग गया, भैया आपके साथ जाना, आपके साथ जाना है. तो मैं अपना बाकी प्रोग्राम कैंसिल करके इन लोग को लेके गया हूँ. और सामने सोमी एम्पोरियम है, चीज़ आपको मिलेगा. यहाँ सब हाई ब्रांड मिलता है आपको. ऑल जो आप इंटरनेशनल ब्रांड्स है सब आपको यहाँ अवेलेबल है. तो इसमें मैं गया था भतीजा को लेके हेमलेस में. वहाँ से उन लोग ने कुछ टॉयज़ परचेज़ किया था. तो उसी दिन उन लोग ने कोई फॉर्म भरा था क्रिसमस के लिए स्पेशल. तो उसका लकी ड्रॉ था आज. तो अभी निकला नहीं मैं जब गया था, तो निकला नहीं टाइम में. हाँ, तो आज मैंने रेड जैकेट फरारी एडिशन सेंटा का कैप. हाँ, बाय द वे मेरा वॉलेट भी फरारी. लव फरारी. आई फरारी मेरे को बहुत पसंद है. गाड़ी भी मेरे को बहुत पसंद है फरारी का. सोच रहा हूँ कब लूँ कब लूँ. मज़ा कर रहा हूँ. हाँ तो गाइस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं. हाँ, क्लोज करने से पहले को मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ. कल परसों मैंने भी अपना GoPro 7 में टेम्पर्ड ग्लास लगाया था. उसका वीडियो नहीं बनाया, आपको दिखा देता हूँ. GoPro 6 का लगाया हो, काफ़ी एक्यूरेट है. ये आगे का लेंस में लग गया है,
और ये पीछे में भी लगा दिया, तो GoPro 6 का लग जाता, अच्छा से लग जाता है, काफ़ी अच्छा से लग जाता है। तो गाइज ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। जाते जाते अ वेरी हैप्पी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू, एंजॉय करिए, बाहर जाइए, खाइए पिए, चर्च में प्रे करिए। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर मेरे चैनल में हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना भाई। आने वाला ब्लॉग्स नया नया बहुत अच्छा अच्छा आने वाला, अभी 2019 आ रहा है, मस्त एकदम। फटाफट सब्सक्राइब करिए फटाफट। तो गाइस ब्लॉग को ये ख़त्म करते हैं, अच्छा लगा तो जरूर से लाइक करिएगा, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत करिए, डिसलाइक कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने को तो यही वीडियो ऐसे डालते जाना है आप लोग के लिए। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट। मैं आपको और एक चीज़ बता देता हूँ।